हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक सार। ज्यामिति में सेवन क्लास के ज्यामिति में यह पांचवा वीडियो जा रहा है, जिसमें आपको आज बताने जा रहे हैं सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए देखिएगा ध्यान से। सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, है ना? आइए देखिए। तो पहले आप विशेष प्रतिज्ञा लिखिए। विशेष प्रतिज्ञा में होगा आपका एक त्रिभुज आपके लिए बने। A, B, C। एक दो तीन, यहां चार, यहां पांच। माना कि ABC त्रिभुज है जिसमें साबित करना है, साबित करना है कौन ए जोड़ कौन बी जोड़ कौन सी बराबर 180 डिग्री। रचना है आपका कि BE समांतर BC, BE समांतर BC, प्रोसेस से किताब पूछो, DE समांतर BC, दीपक से पूछो। प्रमाण देखिए, यहाँ से पहले आप क्वेश्चन समझिए ठीक से कि सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले विशेष प्रतिज्ञा में ABC एक त्रिभुज है जिसमें रचना लिया है BC समांतर DE या DE समांतर BC, दोनों पैरेलल होगा, समांतर। रचना को याद रखना, साबित करना कोरेज और बीज और सी बराबर 180। प्रमाण है आपको कि प्रमाण में रचना चाहिए कि DE समांतर BC। तो यह कौन, यह कोण बराबर यह कोण एकांतर कोण होता है, कोण 4 बराबर कोण 2 एकांतर कोण से, और इधर से तिरछा तिरछी कोण एकांतर कोण होता है, क्योंकि यह समांतर है, इसे एक रेखा काट रही है, तो तिरछा तिरछी एकांतर कोण से। कोण 5 बराबर कोण 3 एकांतर कोण से, यही चीज लिखा है। उसके बाद BE
रेखा पर सरल रैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां देखिए एक दो तीन, तीन कोण है। तो कोण एक जोड़ कोण पांच कोण चार बराबर 180 डिग्री। एक पांच चार 180। अब यहां कोण चार बराबर दो लाइन है, अंदर आना है त्रिभुज के अंदर। अब कोण पांच बराबर तीन लाइन, कोण पांच बराबर तीन। तो कोण एक अंदर इसको रख लेंगे, पांच है तो तीन, चार है तो दो, 180 डिग्री। तो कोण ए दो है तो बी, तीन है, तीन है तो सी, आई क्या है दो तो डी, 180 डिग्री। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। यह आपका कोण त्रिभुज का तीन कोण है, एक दो तीन। त्रिभुज में कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं और यह शीर्ष होता है। दो भुजाओं के शीर्ष हो गया ये, और कोण पढ़ना है तो कोण ए बोलिए, शीर्ष दो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। दो भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। फिर से बच्चों समझ लीजिए क्वेश्चन कि सिद्ध करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विशेष प्रतिज्ञा, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें साबित करना है कोण ए जोड़ बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। इसमें रचना होता है बीसी पैरेलल डीई जो कि शीर्ष ए से गुजरती है, या डीई समांतर बीसी बोल सकते हैं। रचना तो याद रखना पड़ेगा और प्रमाण में आपको रचना से चलना होगा कि डी समांतर बीसी, डी समांतर बीसी, कोण चार बराबर कोण दो एकांतर कोण से, तिरछा तिरछी एकांतर कोण कहा जाता है, पांच बराबर तीन एकांतर कोण से, डी रेखा पर, डी रेखा पर सरलरैखिक युग्म के अभिघृत से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ तीन कोण बन रहा है, एक पांच चार लिख सकते हैं, चार एक पांच भी कैसे लिखना लिखे। कोण एक पांच बराबर तीन लाए हैं तो तीन लिखे, चार बराबर दो लाए हैं, यहाँ देखिए चार बराबर दो तो दो लिखे, यहाँ देखिए क्योंकि यह त्रिभुज के अंदर तो चार और पांच बाहर है, तो बाहर से क्या जाना है अंदर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। हम त्रिभुज में आएंगे जिसके कारण हमको यह नियम चलना पड़ा कि कोण चार बराबर दो और कोण पांच बराबर तीन एकांतर कोण से, वही हम मान रखे हैं कि चार बराबर दो है और पांच बराबर तीन है।
तो कोण एक ए, कोण तीन सी और कोण दो कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। देखिए विद्यार्थी सिद्ध हो गया। इसके बाद इसको उतार लीजिए। इसके बाद है कि आपको चतुर्भुज कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बुझाते हैं क्वेश्चन है अगला आपका कि सिद्ध करें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज है तो चतुर्भुज पर क्वेश्चन पहले बोला है कि चतुर्भुज चार सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज में चार भाग चतुर्भुज में 12 भाग होते हैं, चार भुजा चार कोण और दो विकर्ण, चार चार आठ चार बारह। इसमें है आपको कि विशेष प्रतिज्ञा में विशेष प्रतिज्ञा चतुर्भुज बना लेंगे इस तरह से बना लें ए बी सी डी। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें साबित करना है कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। रचना लिया जाएगा कि ए को सी से मिलाया लिया जाएगा आपको एक दो तीन चार पाँच छ मतलब चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बन रहा है। जब हम रचना में ए को सी से मिलाते हैं तब चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बन रहा है। अब पहले एक त्रिभुज का योग कोणों का योग निकालेंगे और फिर पुनः दूसरा त्रिभुज के योग निकालेंगे और दोनों के जोड़ कर हमको 300 कितना आना है 60। तो ए को सी से मिलाया
एपोसी से मिलाया परमा अनुमान है आपका कि चलना है त्रिभुज ए बी सी में। पहले हम चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण एक लिखिए, दो और तीन यहाँ इधर बराबर 180 डिग्री जो अभी थोड़ा साबित किए हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद त्रिभुज एसीडी में त्रिभुज के तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कोण 4 जोड़ 5 जोड़ 6 180 डिग्री। फिर क्वेश्चन 2, एक और दो से नहीं, एक जोड़ दो से जोड़ना है तो LHS LHS के साथ और RHS RHS के साथ कौन एक जोड़ कौन दो जोड़ कौन तीन जोड़ कौन चार पांच छः बराबर 180 जोड़ 180 RHS के साथ। तो यहाँ देखिए एक और छः एक कोण में और तीन और चार एक कोण में, तो एक और छः के साथ रखिए तो कोण एक लिखिए, यहाँ लिखिए कोण छः। उसके बाद दो लिख दीजिए, तीन और चार तो साथ है, तीन और चार यहाँ पांच है तो पांच लिख दीजिए, 180 360। तो एक जोड़ छः यह दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है, ए कोण ए, क्योंकि कोण ए में दो भाग है और दो है तो भी लिख दीजिए सिंगल है। तीन और चार इसको जोड़ेंगे तो हमको सी मिलेगा कोण डी बराबर 360। ए बी सी डी बराबर 360। देखिए साबित क्वेश्चन को समझिए कि सिद्ध करें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। विशेष प्रतिज्ञा है, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। साबित करना है कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360। रचना ए को सी से मिला है परमा त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी में रचना मिलाए थे को शिष्य। अब हम चल रहे हैं फर्स्ट त्रिभुज मैंने पहला त्रिभुज ए बी सी में, ये वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा।
तो इसका कोण लेंगे एक जोड़ दो जोड़ तीन बराबर 180 डिग्री। समीकरण ए ए सी डी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण चार जोड़ कोण पांच जोड़ कोण छह बराबर 180 डिग्री। समीकरण दो एक जोड़ दो से LHS के साथ RHS के साथ कौन ये जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ चार जोड़ पांच जोड़ छह बराबर 180 जोड़ 180 RHS के साथ कौन एक जोड़ कौन छह जोड़ कौन दो मैंने एक और छह को एक साथ रखना है क्योंकि ए में दो कौन है इसलिए कौन एक और छह को एक साथ रखते हैं। बच गया दो यहाँ तीन और चार एक साथ रहेंगे और बच गया कौन तो एक जोड़ छह को हम लोग क्या कहेंगे पूरा कौन को इस तरह से यह हो गया बड़ा कौन तो पढ़ देंगे ए बी तो सिंगल है तो बी पढ़ दीजिए इसको पूरा को क्या पढ़ना है सी और इसको क्या पढ़ना है 360 देखिए सारे इसको पुनः उतार लीजिए क्लास के पढ़ाई में कैसे सुना ले पाएंगे जैसे अब इसमें है क्या चीज कि चतुर्भुज पर भी यदि हिसाब पूछता है इस तरह से कि क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार तो चतुर्भुज के चारों कोण निकाले इस तरह से क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों कोण निकाले बच्चों चल रहा है 7 क्लास का ज्यामिति जिसमें क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के
चारों कोणों का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार है। तो चतुर्भुज के चारों कोण निकालें। इस तरह से हम चतुर्भुज ले लेते हैं। अनुपाती कोण को माना जाएगा, तो एक को आप x लिख सकते हैं, दो को 2x लिख सकते हैं, इसको ले लीजिए 3x, इसको 4x, इस तरह से। क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार, तो चतुर्भुज के चारों कोण निकाल लिखेंगे डायरेक्ट। चलिए पहले माना कि अनुपातिक कोण एक्स, माना के अनुपातिक कोण, अनुपातिक कोण एक्स, मान लिए कि माना के अनुपातिक कोण एक्स, यहां लिखिए कोण ए बराबर एक्स, कोण बी बराबर टू एक्स, कोण सी बराबर 3x, अब कोण डी बराबर 4x। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री होता है। तो यहाँ लिखाएगा आपको कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360। ये का मान एक्स 2x 3x और 4x 360 डिग्री, सात तीन सात दोनों एक दस, ठीक है, छः दस एक्स 360 एक जीरो से जीरो खत्म, एक्स बराबर 36 डिग्री, एक्स का मान आ गया आपको 36। अब यहाँ है आपका कि कोण ए बराबर एक्स, तो एक्स बराबर कितना ले आए हम लोग 36 डिग्री, कोण बी बराबर 2x है तो 2 गुना 36, एक्स का मान 36 आपको 72। कोण सी बराबर 3x 3 गुना 36 108, और डी बराबर आ जाएगा 4x 4 गुना 36 144।
जांच करने के लिए सभी को जोड़िएगा तो आ जाएगा 100 360। वही बात है, क्वेश्चन समझिए आप अच्छा ढंग से कि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:4 है तो चतुर्भुज के चारों कोण निकालें। माना कि अनुपातिक कोण एक्स, कोण ए बराबर एक्स, कोण बी बराबर 2x, कोण सी बराबर 3x और कोण डी बराबर 4x। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी बराबर 360। ए के मान एक्स, 2x, 3x, 4x, 360। यहाँ है आपको कुल जोड़ के आएगा आपको 10x, इससे ही कट गया x बराबर 36 डिग्री। कोण ए बराबर x 36, कोण बी बराबर 2x, 2 × x के मान 36 है 72, 3x 108, 114। इस तरह से चतुर्भुज का चारों कोण निकल।